हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई सैंपल लेवल का थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हमें एक पैराग्राफ के साथ गिवन है, लेकिन उस पैराग्राफ को रीड करने की उतनी इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस यहाँ दो चीज़ समझना है, उस पैराग्राफ से समझना है वैसे तो, लेकिन यहाँ मैं इस क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। यहाँ हमें गिवन क्या है, इफ बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट देन देयर इज डैश ऑफ द चाइल्ड हैविंग सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल एनीमिया में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ समझते हैं। सिकल सेल ट्रेट जो बात कर रहा है मींस कि उसके पास जो है जो कंडीशन है हेटरोजाइगस कंडीशन है प्रेजेंट है, ट्रेट जो है हेटरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है, वो कैरी कर रहा है बट एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि रिसेसिव प्रेजेंट है। वहीं अगर दोनों होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होंगे तो वो एक्सप्रेस करेंगे। सिकल सेल का एनीमिया यही है कि अगर होमोजाइगस में होंगे कि रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों होमोजाइगस होंगे तभी जाके रिसेसिव होमोजाइगस होंगे तभी जाके ये ट्रेट एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों हेटरोजाइगस हैं, दोनों क्या है हेटरोजाइगस हैं, तो उनके कितने परसेंट चांस है कि भैया उनके जो है बेबीज़ जो होंगे वो सिकल सेल्ड होंगे। तो इसको समझते हैं हम किसके थ्रू, इसके थ्रू समझते सिंपल एक क्रॉस बना लें। हमारे पास एक एच बी पेरेंट जो हो गए हमारे, वो थोड़ा शॉर्ट करते हैं, एच बी ए हो गया, एच बी एस हो गया, एक पेरेंट ये हो गया, एक पेरेंट ये हो गया एच बी ए और एच बी एस, ठीक, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। अब इनके जो बेबीज़ आएंगे उनकी बात करें, इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का चांस क्या बनेगा, अगर ये और ये करता है तो एच बी ए बनेगा, यहाँ पे चांस ही नहीं है, ठीक। ये अगर इससे करता है, ये अगर इससे करता है, किससे इससे करता है, तो एच बी ए और एच बी एस आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, ये तो सिकल सेल होगा ही नहीं, ये सिकल सेल कैरियर बनेगा, मीन सिकल सेल ट्रेट कैरी करेगा लेकिन डिजीज अपीयर नहीं करेगा। अब इसकी बात करें, इसकी बात करें, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एच बी ए एच बी एस आ गया, ठीक। और वहीं अब हम कर लें क्या, हम कर लें इसका और इसका क्रॉस करें, तो हमारे पास आया क्या, एक सेकेंड, हमारे पास है एच बी एस एच बी एस, क्लियर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, जो हमें रिज़ल्ट निकल के आया परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा एक तो ये है जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया होगा ही नहीं, यहाँ पे कैरियर होगा, यहाँ पे कैरियर होगा, लेकिन इन तीन केसेस में हमें क्या मिल रहा है, इन तीन केसेस में से चार में से मिल रहा है कि इनमें हमें अपीयर, इन दो में डिजीज अपीयर होगी, डिजीज जो है प्रेजेंट होगी लेकिन अपीयर नहीं होगी, इसमें होगी ही नहीं, सिर्फ शो किसमें करेगा, इसमें करेगा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज हो गया कितना हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, तो 1/4 के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया 25। यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्या, आंसर होगा 25, क्लियर। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, बस घुमा रखा है, समझना क्या, इन दो चीज़ को समझना, सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल ट्रेट मीन्स की ट्रेट कैरी कर रहा है लेकिन डिजीज नहीं है, और सिकल सेल एनीमिया का मतलब डिजीज है। तो अगर इनका हम जो है सिंपली एलील फॉर्म कर लें, एलील फॉर्म करें, क्रॉस बना के देखें, तो वही रिजल्ट आया कि 1/4 चांसेस होगा अगर दोनों हेटरोजाइगस होंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम।